हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि फ्रैंकलिन और माइकल कैसे मिलते हैं और कैसे दोस्त बनते हैं। उसके बाद माइकल के बेटे जिमी को कोई उठा के नहीं ले जाता है, वो एक यार्ड बेचने जाता है माइकल की, जिसमें वो फंस जाता है। फिर माइकल फ्रैंकलिन की मदद से जिमी को बचाता है। तो फ्रैंकलिन ने माइकल की इतनी मदद की होती है तो माइकल सोचता है कि फ्रैंकलिन को कोई बाइक गिफ्ट में दिया जाए। तो मैंने पूछा था कि कौन से बाइक गिफ्ट में दी जाए, तो कुछ लोगों ने कॉमेंट में बोला कि उसे KTM दे दो। तो अगर पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते। तो अब देखो यार, बात ऐसी है कि माइकल के पास भी इतना पैसा है नहीं कि वो एक नई KTM लाके फ्रैंकलिन को दे सके। तो अब हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम किसी KTM चुरा सकते हैं और उसको जाके फ्रैंकलिन को दे देंगे। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि KTM हमें कहां पे किसके घर पे मिलेगी। एक काम करते हैं, माइकल के दोस्त को फोन करते हैं, उसे लॉस सैंटोस के हर घर का पता है और एक वही बंदा है जो बता सकता है कि KTM हमें कहां पे मिलेगी। ओके, तो हमारी बात माइकल के दोस्त से हो चुकी है। उसने हमें बता दिया है कि KTM हमें कौन से घर पे मिलेगी और उसने लोकेशन भी भेज दिया है। तो जल्दी से अपने गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट उस घर की ओर चलते हैं। पर उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें बंदूकें चाहिए। आप सोच रहे हो कि माइकल अपनी गाड़ी से क्यों नहीं जा रहा है? भाई अगर अपनी गाड़ी से जाएगा तो वापस तो वो KTM से आएगा, तो अपनी गाड़ी तो वहीं छूट जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए वो दूसरी गाड़ी लेके जा रहा है। भाई चोरी करने जा रहे हैं तो हमें असला बारूद तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक पिस्टल के अलावा अभी कुछ नहीं है। तो जल्दी चलते हैं एम्यूनेशन शॉप में। तो फटाफट अपनी गाड़ी भगाते हैं और एम्यूनेशन शॉप की ओर चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं एम्यूनेशन शॉप पे। यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकते हैं और चलते हैं अंदर जाके कुछ बंदूकें और असला बारूद खरीदते हैं। हमें दो टाइप की गन चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे एम्यूनेशन शॉप के अंदर आ चुके हैं। हमें चाहिए एक असॉल्ट राइफल और एक चाहिए स्नाइपर। ओके, तो हमने यहाँ पे दोनों ही गन खरीद लिया और इसे पेमेंट कर दी है। अब चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर। अब जल्दी से अपनी गाड़ी बैठते हैं, मैप पे हम लोकेशन सेट कर लेते हैं हमें जहाँ जाना है, और निकलते हैं उस लोकेशन की तरफ। लोकेशन ज्यादा दूर नहीं है, तो एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड में भगाते हैं और जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। यार इस रोड पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक है कि इतनी बार मेरी गाड़ी छुटके बची है। अबे यार ले गाड़ी ठुकी गई। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी अपनी गाड़ी नहीं है, कोई नुकसान की बात तो है नहीं। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने उस लोकेशन की ओर। तो हम अपने लोकेशन पहुंच चुके हैं। हम एक काम करते हैं, हम इस पहाड़ पे जाते हैं, वहां से पहले देखेंगे कि कहां पे कौन से गार्ड्स रखे हुए हैं। क्योंकि माइकल का जो दोस्त है उसने पहले बता दिया था कि वो बहुत अमीर बंदा है, एक प्रकार से माफिया है, जिसके घर से हम गाड़ी चोरी करने जा रहे हैं। तो हम वहाँ पे गार्ड्स ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। तो एक काम करते हैं, तो जल्दी से स्नाइपर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सा गार्ड्स कहाँ पे है। तो एक तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो घर के छत पे खड़ा है। यहाँ पे एक से ज्यादा ही गार्ड्स होंगे। ओके यहाँ भी गार्ड है, और देखते हैं ओके यहाँ भी गार्ड है। ओके भाई इतने सारे गार्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन गाड़ियाँ दिख नहीं रही है। एक काम करते हैं, इधर थोड़ा इधर उधर जाते हैं, हमें साफ साफ दिखाई दे देगा। हो सकता है वो जो बड़ा सा पेड़ है जिसके वजह से ना हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके आगे क्या है। तो देखते हैं एक और बार यहाँ से जूम करके। ओके तो देखिए वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो आखिरी वाली जो बाइक है वही हमारी KTM है, उसी गाड़ी को हमें चुराना है। पर मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत आसान होगा, यहाँ से बहुत सारे गार्ड्स आने वाले हैं, हमें बहुत सारे में लड़ाई करनी पड़ेगी। एक और काम करते हैं, पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ी और ऊपर जाते हैं, उसके बाद वहाँ से देखते हैं। तो हमें पूरा श्योर हो जाएगा गाड़ी कहाँ पे है, क्योंकि हमें जल्दी से जाना है, जल्दी से गाड़ी चुरा कर लाना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, पता होना चाहिए गाड़ी कहाँ पर है। ओके तो देखिए, आप 100% श्योर हो चुका कि वही हमारी KTM है, उसी गाड़ी को हमें चुराना है। तो अब चलते हैं, काम करते हैं, अब सीधे गाड़ी बैठते हैं और निकलते हैं अंदर की ओर। नहीं उससे पहले एक काम करते हैं, हम अंदर की ओर जाएंगे डायरेक्ट हम साइड गार्ड्स को नहीं मार पाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहीं से पहले जितने गार्ड्स हो सकते हैं नॉकआउट कर देते हैं। तो इस गार्ड्स को पहले नॉकआउट करते हैं। अबे यार मिस हो गया, इतना घटिया, इतना मतलब घटिया के निशाना है मेरा। ओके अब नहीं मिस होगा। ओके खत्म, एक गार्ड खत्म हो गया। उसने शायद मुझे देख लिया था, पर मैंने मार लिया उसने। ओके दूसरा गार्ड भी खत्म। अबे तीसरे गार्ड की बारी, तीसरे गार्ड को निपटाते हैं। ठीक है ये भी गार्ड खत्म हो गया। सब मतलब उन लोग को पता चल चुका है कोई मार रहा है, पर उन लोग को दिखाई नहीं दे रहा हूँ कि मैं कहाँ से मार रहा हूँ, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या फिर उनके पास स्नाइपर नहीं है, कोई नॉर्मल से गन है, या फिर कोई नॉर्मल से गन ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। उन लोगों को मैं दिखाई नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब उनको पता है कि भाई यहाँ पे कोई बंदा है जो मार रहा है। मेरे स्नाइपर पे शायद सप्रेशन नहीं लगा होगा। हाँ मैं सप्रेशन नहीं खरीदा था, बस स्नाइपर खरीद चला गया था मैं। ओके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको पता ही नहीं मैं कहाँ से मार रहा हूँ, देख ही नहीं पा रहे बेचारे। यहाँ पे हमने लगभग सारे गार्ड्स को मार दिया है ना। ओके देखते हैं, अभी एक दो मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं और गार्ड तो नहीं है, क्योंकि भाई अंदर जाके अगर बहुत सारे गार्ड्स जाएंगे तो हम मर सकते हैं। एक यहाँ भी गार्ड है, उसको भी निपटाते। अरे यार फिर निशान चूक गया। एक काम करते फिर से मारते हैं, जल्दी से मारते उसको। अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ? तो ये होता है कभी कभी होता है। ओके वहाँ से गार्ड्स भाग के आ रहे हैं, इन दोनों को तो यहीं से निपटा दूंगा मैं। देखो अब यहाँ ज्यादातर गार्ड्स को हमने यहीं से निपटा दिया, तो हमारे लिए आसानी होगी। अब सीधे काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अंदर चलते हैं। यहाँ हम गाड़ी बैठ चुके हैं, फटाफट गाड़ी को पीछे लेते हैं। और एक ओ भाई मेरे पीछे पुलिस भी पड़ चुकी है। अब मतलब बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है हमें यहाँ से गाड़ी चुराना। पर जो भी है गाड़ी तो हमें चुराना ही चुराना है, आखिरकार माइकल है ये, गाड़ी आराम से चुरा ही लेगा।
हम यहाँ पे अंदर पहुंच चुके हैं, देखते हैं कि भाई कैसे चुराते हैं हम इस फ्रिज को। अबे आराम से क्या जा रहा, जल्दी भाग भाई, यहाँ पे और गार्ड तो नहीं है? ओके यहाँ पे गार्ड है, पर ये कुछ कर नहीं। अच्छा इन्हें पता ही नहीं है ना भाई कि मैं था वो बंदा जिसने सारे लोगों को मारा है। ओके ये फायदा हो गया मेरे को, तो चलते आप इन सबको पता है। अरे यार दो दोस्त आगे पुलिस भी लग चुकी है बेचारे। अरे मार कुमार जल्दी मार, यहाँ तो गार्ड नहीं है। ओके यहाँ भी गार्ड है भाई साहब, कहाँ कहाँ से छुप के आ रहे यार, इतना बड़ा घर है उसका पीछे क्या है वो? अरे यार और इतनी सारी गाड़ियां है भाई, इतनी सेक्सी सेक्सी गाड़ियां है इसके पास। ये वाली गाड़ कितनी मस्त दिख रही है, ये वाली गाड़ी को भी चुराने का मन कर रहा था। मेरे को तो KTM चुराना है भाई, KTM के अलावा अभी कुछ नहीं चाहिए। और गार्ड से क्या देख लेता हूँ पहले, ले तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। ओके कोई गार्ड नहीं दिख रहा मेरे को, काम करते अपना गाड़ी उठाते हैं यहाँ से निकलते हैं। पर दिक्कत की बात तो ये है कि यहाँ पर थ्री स्टार पुलिस भी लग चुकी है। गुंडों से तो कोई दिक्कत नहीं है, गुंडों से निपट लेंगे, पर यहाँ पर थ्री स्टार पुलिस लग चुकी है उसका क्या? अरे यार हट गया यहाँ से। और उसके वो भाई साहब इसे पुलिस आ चुके हैं, भाग भाई भाग भाग। ओके ये तो पुलिस वाले उन पे भी हमला कर रहे हैं और मेरे पे हमला कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, हम वहाँ से निकल चुके जो है तैसे करके। पर यहाँ पे दिक्कत की बात ये हो चुकी है कि हमारे पास 3 स्टार पुलिस लग चुकी है, पुलिस ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। अबे यार हर तरफ हर जगह पुलिस लग चुकी है। अरे यार इन्होंने तो रोड ब्लॉक भी कर दिया है मेरे लिए, यार बहुत दिक्कत होने वाली है मुझे। अब पता नहीं कितने टाइम लगेगा इन लोगों में ये छुड़ाने में, देखते हैं छुड़ा पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ। कहीं अगर पकड़ा गया ना भाई तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास कुछ है, और मेरे तो कोई बेल भी नहीं कराएगा क्योंकि उतनी अच्छी यार दोस्ती भी नहीं है। यार दोस्ती है एक फ्रेंकलिन है जो दोस्त बना है, पर उसके पास कौन सा पैसा है? अबे यार इतना जल्दी से बैठ, में जल्दी से बैठ, जल्दी गाड़ी पे जा, जल्दी पे गाड़ी बैठ, वरना पुलिस वाले तेरे छोड़ेंगे नहीं। और भाई साहब देखो गाड़ी आगे, गाड़ी आगे, जल्दी भाग 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 ऐसे। अबे यार पुलिस वाले तो एकदम नहा धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं। अभी अभी तो 3 ही स्टार है, 4 स्टार हो जाएगा तब तो और दिक्कत हो जाएगी। यार भाग भाग भाई, यार KTM क्या दिक्कत हो रही है? अरे यार इन लोग को मान ही नहीं रहे, इन लोग पीछे से गाड़ी को ठोक रहे पीछे से। अबे रुक 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 रुक, बच गया भाई, अभी दिक्कत हो जाती। अबे यार हर जगह, अरे भाई साहब बहुत बुरी बुरा बहुत बुरा फंस चुका हूँ मैं। देखते हैं कैसे अपनी गाड़ी को बचाता हूँ मैं इन पुलिस वालों से। भाई मेरे को लग रहा है ना कि ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है, आज कांड हो जाएगा, आज पक्का कांड हो जाएगा भाई। फ्रैंकलिन को गिफ्ट देने के चक्कर में मैं जेल जाने वाला हूँ। ये घर के पास पहुँच चुका है अपने में, पर कुछ कर नहीं सकती, ये घर के अंदर भी आ जाएंगे, ये पक्की बात है घर के अंदर आ जाएंगे। यार जल्दी से मुझे इन लोगों से पीछे छुड़ाना पड़ेगा। अबे यार कितनी खतरनाक है लोग, यार देख लो पुलिस वाले को कितना गंदा ये गाड़ी को ठोक रहा है मेरे, इसको मतलब ही नहीं है। साला गंदा कोई बंदा पकड़ने आया है कि बंदे को मारने आया है भाई? एक काम करते हैं पतली पतली गलियों में चलते, हो सकता है कि गाड़ियाँ यहाँ पे ना आ पाए, पर मुझे नहीं लग रहा है भाई। 3 की 3 स्टार अभी भी है, पर 3 ही स्टार है, ये अच्छी बात है कि 3 ही स्टार है। 4 स्टार हो जाएगी तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी आ जाएंगे, फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। यार ये पुलिस वाले हर तरफ पीछे पड़े हुए हैं, मैं हाईवे पे इतनी तेज गाड़ी चला रहा हूँ फिर भी मतलब वो पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तो 3 स्टार ही है, अच्छी बात है। पर यहाँ पे ओ भाई साहब देख रहे हो, देख रहे हो मतलब कि पूरी रोड ब्लॉक कर चुका है। तुम्हारे फाइन लेके इतना बढ़िया कट मारा कि फिर से निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं हाईवे पे है, पर मेरा पीछा कहाँ कर पाएंगे? हाईवे पे अपनी गाड़ी का पीछा कर पाना उनके लिए नामुमकिन वाली बात है, पर देखते हैं क्या सीन है। अबे अभी बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया भाई साहब, अभी तो बहुत दिक्कत हो जाती, गाड़ी ठुकती ना मैं सीधा भगवान को प्यारा हो जाता भाई। बहुत दिक्कत वाली बात हो गई यहाँ पे, ये लोग पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, क्या दिक्कत क्या है भाई इन लोगों की? मतलब इतने टाइम में खुश तो होना चाहिए, मतलब पुलिस की गाड़ियाँ पीछे तो हट जा रही है पर वो स्टार ब्लिंक करना मतलब स्टार हट नहीं रहे हैं भाई। बहुत दिक्कत वाली बात हो गई यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को लग रहा है, मेरे को लगा कि हाईवे पे जाऊँगा तो पीछे छूट जाएगा लोग, पर ये पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं। मैं मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना ट्रेन के टनल ढूंढनी पड़ेगी, उसके अंदर घुसना पड़ेगा, तभी मेरे को लगता है बच पाऊंगा, वरना मुझे। ओ भाई सभी क्या हुआ, मैं नीचे जाने कोशिश कर रहा था, देखो इतना गंदा टकराया कि वापस ऊपर आ गया भाई। यार इतनी बुंदी किस्मत किसकी होती है? ओ भाई साहब ये पुलिस वाला क्या करना चाह रहा है भाई? ये पुलिस वाले मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे मेरे को लग रहा है। अरे भाग भाग भाग, जल्दी 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 गाड़ी में बैठ, जल्दी गाड़ी में बैठ भाई, जल्दी गाड़ी में बैठ। ओके ओके भाग 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 भाग, जल्दी भाग भाग भाग, ऐसे भाग भाग। अबे ये पुलिस वाले हैं कि क्या है भाई? ये पुलिस वाले तो अपने आप, इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं, इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मेरे को इनको मारे बिना मैं नहीं भाग सकता। मैं समझ गया, मैं इनको बिना मारे नहीं भाग सकता, पहले इनसे इनको मारना ही पड़ेगा, तभी कुछ होता रहेगा। ये सबको एक काम करता हूँ, सबको पहले निपटाता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। एक काम कर सबको, हमने निपटा दिया सबको, जो एक दो बच्चे होंगे वो हटाओ, हमको यहाँ से निकलना है, हमको यहाँ से जैसे तैसे करके निकलना है भाई, हमें यहाँ से जगह ढूंढना है कैसे निकलना है। मुझे लग रहा है कि बस ट्रेन टनल ही एक जगह है जहाँ से हम निकल सकते हैं, बच सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा। ओके 4 स्टार भी लग चुका है, अब तो गारंटी हेलीकॉप्टर हमारे पीछे आ जाएगा। हमें बचने के लिए ट्रेन का टनल ही चाहिए, वहीं से हम बच सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जल्दी से हम ट्रेन का टनल ढूंढते हैं और उसके अंदर जाते हैं। ओके तो हमें ट्रेन की पटरी मिल चुकी है, मतलब इसके ऊपर पटरी है,
हो सकता है इसी के नीचे टनल हो भाई, कहीं से मौका मिल जाए हमें जगह मिल जाए जाने का। ओके हमें जगह मिल चुका है जाने का, यही है भाई यही है, इसी के नीचे हमें चलते रहना है। यहाँ पे क्या है कि हेलीकॉप्टर हमें देख नहीं पाएंगे, यही हमारा एक इकलौता चांस है कि हम पुलिस से बच सकते हैं। देखो स्टार ब्लिंक करना चालू हो गया, मुझे एक काम करता हूँ यही छुप जाता हूँ थोड़ी देर पे, क्या है कि थोड़ी देर के बाद भाई मेरे को लग रहा है हेलीकॉप्टर ने देख लिया हमें। एक काम करता हूँ और गाड़ी तेज भगाता हूँ, कोई टनल आएगा प्रॉपर टनल जिसके अंदर भी वो देख ही ना पाए, पूरा अंधेरा हो वहीं में बच पाऊंगा। ओके तो मुझे दिख रहा है आप टनल, छोटा सा टनल दिख रहा है, इसमें बाद काम हो जाए मेरा। देखते हैं यहाँ पे अरे यार यहाँ से भी देख लेगा यार, ये पुलिस वाले पीछे जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मतलब हाथ धो के मतलब पीछे पड़ते हैं तो हाथ नहा धो के पीछे पड़े हुए मेरे पीछे। ओके यहाँ पे दिख रहा है स्टार ब्लिंक कर रहा है, मतलब यहाँ से मतलब वो देख नहीं पा रहे मुझे। अब देखते हैं कितनी देर में पुलिस वाले यहाँ से जाते हैं, अगर यहाँ चले गए तो भाई मजे ही आ जाएंगे। मैं फ्रैंकलिन को KTM मिल जाएगा, लेकिन अगर मुझे पकड़ लिया तो फ्रैंकलिन को KTM नहीं मिलेगा और उसके साथ साथ मैं जेल में चला जाऊंगा। पर देखते हैं स्टार ब्लिंक तो कर रहा है, मुझे लगता है कि अब मेरा चांसेस है कि मैं बच जाऊंगा। देखते हैं कितनी देर में मैं स्टार यहाँ से स्टार ब्लिंक करना बंद कर देता है, पुलिस वाले यहाँ चले जाते हैं। यार ये फिर से स्टार ब्लिंक करना बंद कर दिया, फिर से पुलिस वालों ने देख लिया मुझे, फिर यहाँ से भागना पड़ेगा। अबे यार कितना भसड़ हो गया है, एक काम करते जल्दी से यहाँ से निकलते हैं भाई, मतलब फिर से पुलिस पकड़ लेगी मेरे को, बहुत सारे पुलिस आ जाएगी। पर एक बात अच्छी कि टनल अब यहाँ पे ज़्यादा पुलिस नहीं आ पाएगी। ओके तो सामने ही वो टनल जो मैं ढूंढ रहा था, मैं यहाँ पे एक जरा सा भी पुलिस नहीं आ सकता, मतलब एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं घुस सकती, ना ही हेलीकॉप्टर हमें देख पाएगा। यहाँ तो गारंटीड 100% श्योर हो कि पुलिस वाले हमारे पीछे से हट जाएंगे। तो देखते हैं कि कितने देर पुलिस वाले यहाँ से हटते हैं, तुरंत निकलेंगे यहाँ से जब हट जाएंगे पुलिस। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं पुलिस से जाने का, जैसे ही पुलिस वाले निकल जाएंगे हम अपनी गाड़ी को लेके अपने घर जाएंगे और उसके बाद फ्रैंकलिन को कॉल करेंगे। ओके तो पुलिस वाले हमारे पीछे से हट चुके हैं फाइनली इतनी देर बाद, तो एक काम करते हैं जल्दी से टनल से बाहर निकलते हैं और अपने घर चलते हैं, उसके बाद फ्रैंकलिन को कॉल करेंगे। बस अब टनल से बाहर निकलने वाले हैं भाई, ये टनल भी इतनी लंबी थी कि ये भूल भुलैया का सामान था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, पर फाइनली हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। तो यहाँ हम टनल से बाहर निकल चुके हैं, अब एक काम करते हैं जल्दी से माइकल के घर चलते हैं। तो आखिरकार हम इतनी मुश्किलों के बाद माइकल के घर पहुँच ही गए भाई, मुझे लगा नहीं था कि मैं बच पाऊंगा, पर किस्मत वाली बात है भाई बच गए। वो टनल अगर नहीं मिलता ना तो हम नहीं बच पाते, पुलिस वाले हमें नहीं छोड़ते। तो अब एक काम करते हैं जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और फ्रैंकलिन को कॉल करते हैं। उससे पहले काम करते घर के अंदर चलते हैं, थोड़ा कुछ ठंडा पीते हैं, तब थोड़ा रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ हमने बिस्किट का एक पैक लगा लिया है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब एक काम करते हैं अब बाहर निकलते हैं, फ्रैंकलिन को कॉल करते हैं, उसे यहाँ बुलाते हैं ताकि उसे हम सरप्राइज दे सके। तो हमने फ्रैंकलिन को कॉल कर दिया, उसे बुला लिया है, अब वो यहाँ पे थोड़ी देर में आता ही होगा। ओके तो फ्रैंकलिन फाइनली यहाँ पे आ चुका है, उसे अभी तक एक जरा सा भी डाउट नहीं हुआ, मतलब पूछा कि वो KTM किसकी है, पर मैंने उसे भी बताया नहीं है। तो एक काम करते हैं उसे अब बताते हैं कि ये KTM मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए लाया है। भाई फ्रैंकलिन बहुत खुश हो गया है, उसे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उसे KTM गिफ्ट में दिया है। तो फ्रैंकलिन कह रहा है कि चलो एक काम करते हैं बाहर जाके इसे सेलिब्रेट करते हैं। अबे यार ये क्या अचानक से बारिश कहाँ से आ गई, कोई नहीं हम एक काम करते हैं हम माइकल की गाड़ी से जाते हैं। तो हम दोनों गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं किसी क्लब की ओर। ओके तो हम पहुंच चुके हैं क्लब के पास, चलते हैं अंदर थोड़ा एंजॉय करते हैं। अबे यार ये क्या हो गया है, ये लोग ड्रिंक करके आए हैं क्या करके आए हैं, मुझे पहले लगा कि मेरा स्क्रीन खराब हो गया है, पर भाई नहीं ये तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है, इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। भाई साहब इस हालत में गाड़ी चलेगी कैसे, चलो कोई ना यहीं चलते करके हम गाड़ी चला लेंगे। हम एक काम करते हैं फ्रैंकलिन को पहले छोड़ते हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे अपने घर। ओके तो हमने फ्रैंकलिन को ड्रॉप कर दिया है, अब निकलते हैं अपने घर और थोड़ा आराम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।